अब गाइस आप लोगों का बहुत ज्यादा कमेंट आता है कि अपना बेन 10 क्लासिक का टॉप 5 फेवरेट एपिसोड के नाम बताओ, तो लेके आ चुका हूँ गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बेन 10 क्लासिक के माय फेवरेट एपिसोड्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि मैंने 5 ही लिया है। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहना, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 1 सीक्रेट्स। अब गाइस यही वो एपिसोड था जिसमें हमें विलगेक्स का रिटर्न देखने को मिला था। बेन 10 क्लासिक हमारे लिए न्यू था, तो हमें उतना समझ में नहीं भी आ रहा था कि कौन सा वो पावरफुल विलन है। पर गाइस बेन 10 क्लासिक का हमें सीक्रेट एपिसोड देखने को मिला, जहां पर विलगेक्स आता है और सच में विलगेक्स बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। बेन जो है वो नहीं हरा पाता है विलगेक्स को, और विलगेक्स बहुत बुरी तरीके से मारता है बेन को। बेन के हर एक एलियंस को हराने का वह दम रखता था, और गाइस विलगेक्स ने लगभग बेन के बहुत सारे एलियंस को मारा भी था। तो यहाँ पर जो विलगेक्स है उसका जब हमें रिटर्न देखने को मिला था, सच में मैं भी बहुत ज्यादा शॉक हुआ था, क्योंकि विलगेक्स नया था और विलगेक्स इतना पावरफुल विलन था। तो बेन 10 का जो सीक्रेट्स एपिसोड है वो भी मेरा एक फेवरेट एपिसोड है। नंबर 2 बेन 10,000। अब हमें बेन 10 क्लासिक में ही सबसे पहले बेन 10,000 का एपिसोड देखने को मिला था। उसके बाद बेन 10 का भी हमें एक एपिसोड देखने को मिला था, जहां पर हमें बेन 10,000 को दिखाया गया था। सच में गाइस लुक वाइज बहुत ज्यादा पसंद था मुझे। मुझे लग रहा था कि अब बेन 10,000 का ही एपिसोड आगे बढ़ेगा, पर ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिला। वो सिर्फ एक टाइम के लिए था, और बेन 10,000 का जो एपिसोड था उसमें बेन का जो ओमनीट्रिक्स है वो तो और ज्यादा अच्छा था देखने में। मास्टर कंट्रोल अनलॉक था, और हम लोगों को मास्टर कंट्रोल के बारे में उतना कुछ पता भी नहीं था, तो वो बहुत ज्यादा औसम लगता था देखने में। तो हमारा जो बेन 10,000 का एपिसोड था वो भी मेरा एक फेवरेट एपिसोड था। नंबर 3 द रिटर्न। अब द रिटर्न अगर आपने एपिसोड देखा होगा, तो वहाँ पर सभी जो पावरफुल विलन थे वो लोग साथ में आ चुके थे, जैसे कि बेन वुल्फ, डॉक्टर विक्टर, इसके अलावा द मम्मी भी आ चुका था, और लास्ट में घोस्ट फ्रिक भी आया था। और हमें देखने को मिला था कि सभी के सभी लोग बेन को मारना चाहते थे, और ये फाइट गाइस हमें स्पेस में भी देखने को मिला था कि ये सभी लोग स्पेस में भी जाते हैं, और वहाँ पर बेन भी जाता है और हमें फाइट देखने को मिलती है। और वहीं पर बेन को न्यू एलियंस भी मिलता है, उसको डॉक्टर विक्टर का DNA मिलता है, उसको बेन वुल्फ का तो DNA पहले से ही मिल गया था, द मम्मी का भी उसको DNA मिलता है, और एपिसोड के एंड में द घोस्ट फ्रिक का भी जो DNA है वो बेन कैप्चर कर लेता है अपने ओमनीट्रिक्स में। तो द रिटर्न जो है वो भी मेरा एक फेवरेट एपिसोड था। नंबर 4 घोस्ट फ्रिक आउट। घोस्ट फ्रिक आउट नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर घोस्ट फ्रिक जो है वो भाग गया था ओमनीट्रिक्स में। घोस्ट फ्रिक वो पहला एलियन था जो कि गाइस ओमनीट्रिक्स से भागने में सक्सेसफुल हो गया था। तो मुझे गाइस ये एपिसोड भी बहुत ज्यादा पसंद आया था, क्योंकि बेन का ही एलियन उसके सामने आ जाता है, और हमें घोस्ट फ्रिक का एक बहुत ही डरावना रूप देखने को मिला था, जो कि बहुत ज्यादा औसम मुझे वो एपिसोड लगा था। तो घोस्ट फ्रिक आउट जो है वो भी मेरा एक फेवरेट एपिसोड है। और गाइस नंबर 5 की बात करें तो बेन 10 वर्सेस द नेगेटिव 10। सभी के सभी जो विलन्स थे जो एक साथ आ गए थे, और एक तरफ बेन, ग्वेन, केविन और साथ में कूपर भी था, इसको लेकर मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हो मेरे चैनल पर। यहाँ पर गाइस जो फाइट देखने को मिली थी हमें, यहीं पर बेन को एक न्यू एलियन भी मिला था, जिसको हम लोग आई गाई के नाम से जानते हैं। बेन 10 वर्सेज नेगेटिव 10 में जितना सारा फाइट हमें देखने को मिला था, लास्ट में अपचक ने जिताया था उस फाइट को, क्योंकि अपचक ने उस क्रिस्टल को निगल लिया था और वहीं पर उसने ब्लास्ट भी कर दिया था। तो ये जो एपिसोड है वो भी मेरा एक फेवरेट है, और इस एपिसोड में जो विलन साथ में आ गए थे वो भी देखने में बहुत ज्यादा शौकीन था। तो ये कुछ 5 ऐसे एपिसोड्स थे जो कि मुझे बेन 10 क्लासिक में बहुत ज्यादा पसंद है, मेरे फेवरेट हैं। अगर गाइस आपको बेन 10 एलियन फोर्स का जानना है तो नीचे कमेंट करना मत भूलना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।